नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो आज दोस्तों एक बार फिर हम अपने किसान भाइयों के बीच यहाँ ठीक मेरे सामने देखिए दोस्तों खेतों में पहुँचे हैं और यहाँ पर दोस्तों धान लगाने की जो है तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और उसकी एक बड़ी अपडेट दोस्तों हम आज आपको देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पानी खड़ा किया गया है खेतों के अंदर, तो यहाँ पर ट्रैक्टर जो है चलाया गया है या नहीं चलाया गया, धान की फसल कब लगेगी और कितने एकड़ के अंदर दोस्तों ये पानी खड़ा किया गया है, और ये बड़ी अपडेट हम आज आपको आप सभी के और अपने चैनल पे देंगे दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो अगली वीडियो दोस्तों यहाँ पर इस खेतों के अंदर खड़े किए गए पानी की और इन खेतों की जो पूरी अपडेट है दोस्तों उसकी। तो ठीक मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो खेतों के अंदर इस समय दोस्तों पानी खड़ा किया गया है, ये कम से कम दोस्तों 3 या 4 एकड़ के अंदर है। थोड़ा मैं इस तरफ भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 3 या 4 एकड़ के अंदर दोस्तों ये जो है पानी खड़ा किया गया है। और यहाँ पर अभी जो है दोस्तों ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, तो ये इस खेत के अंदर ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये वाला खेत है, तो ये आधा एकड़ है। यहाँ पर मुझे लगता है अभी पानी जा रहा है मोटर से, देखिए लाइट आई है तो वहाँ से पानी दोस्तों निकल रहा है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। तो यहाँ पर ट्रैक्टर जो है खेत के अंदर चलाया जाएगा, हमारे किसान भाई अभी नहीं है तो अपडेट भी हम आपको देंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पानी खड़ा किया गया है इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी याद दूंगा। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा जो है लहरा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पानी इन खेतों के बीच खड़ा किया गया है दोस्तों, इसके अंदर अभी ट्रैक्टर चलाया गया है या नहीं चलाया गया है वो अभी कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं आई है दोस्तों। लेकिन हम अपने किसान भाइयों से पूछेंगे, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है कि यहाँ पर ट्रैक्टर चला दिया गया है या नहीं चलाया गया, तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है धान लगनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ठीक मेरे सामने यहाँ खेत देख रहे हैं आप, एक इससे आगे है दोस्तों और एक खेत इस तरफ भी है जो पीछे की तरफ चला गया, वहाँ भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला करके 4 एकड़ के अंदर ये जो है दोस्तों पानी हमारे किसान भाइयों ने खड़ा कर दिया है। और इसके अंदर जो है दोस्तों ट्रैक्टर भी चलाया गया है या नहीं चलाया गया, और धान की जो फसल है आज लगती है या कल लगती है, तो उसकी अपडेट दोस्तों मैं एक्सक्लूसिवली आप सबको दूंगा। और यहाँ पर फिलहाल जो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी दोपहर का जो है दोस्तों, मुझे लगता है कि 12:30 या 1 बज गया होगा, तो हमारे किसान भाई दोस्तों खाना खा रहे होंगे शायद, मुझे यहाँ तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे। और यहाँ पर दोस्तों कहीं कहीं पर धान लगा दी गई है और एक अपडेट हमने दी हुई है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि गर्मी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज यहाँ पर हवा चल रही है और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ इस पेड़ की छाया में दोस्तों खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आया था किसी और काम से, ये मेरा साइकिल है, तो मैंने सोचा कि चलो कि मैं अपने किसान भाइयों से रिलेटेड भी एक वीडियो निकाल ही लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों धान की फसल का जो काम है वो प्रगति पर है, हालाँकि इतनी गर्मी दोस्तों यहाँ पर पड़ रही है उसके बावजूद हमारे किसान भाई जो है दोस्तों लगातार यहाँ पर धान की फसल को लगाने के लिए कार्यरत हैं। और मेरी दोस्तों शुभकामनाएँ अपने सभी किसान भाइयों के साथ हैं, और जितनी जल्दी दोस्तों यहाँ पर धान की फसल लगती है उतनी जल्दी जो है हमारे किसान भाई दोस्तों दूसरी फसलों की तरफ ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल दोस्तों यही धान की फसल जो है यहाँ पर लगाई जा रही है और ये दूसरी सबसे बड़ी फसल के अंदर दोस्तों आती है, क्योंकि गेहूँ के बाद अगर कोई बड़ी फसल है दोस्तों तो ये धान की फसल है जो फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ पर लगाई जाती है। पानी खड़ा किया जाता है, खेतों को जोता जाता है, फिर जोता जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों कहीं जा करके धान लगती है। 2 बार यहाँ पर दोस्तों खेतों के अंदर पानी को जो है खड़ा किया जाता है। तो अब मैं दोस्तों आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ, वहाँ की अपडेट भी दे देता हूँ। तो यहाँ ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर देखिए दोस्तों चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मोटर चलाई जा रही है दोस्तों। तो किस लिए चलाई जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये ठंडा मीठा पानी है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर का पानी जा रहा है जो बच्चे में से होकर के, तो ये ठीक मेरे सामने दोस्तों आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं स्वराज 800 ट्रैक्टर खड़ा है, तो इसके पीछे लगा है दोस्तों सुभागा, और ये सुभागे के थ्रू दोस्तों इस खेत को जो है यहाँ पानी के साथ जोता जाएगा, यानी कद्दू किया जाएगा, यानी गहण मारा जाएगा। ये जो है दोस्तों आधा एकड़ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों पानी जो है धीरे धीरे चल रहा है, देखिए। तो यहाँ पर सारे खेत के अंदर ये जो है दोस्तों ट्रैक्टर घुमाया जाएगा, इस सुभागे को इसमें जोड़ा गया है ताकि ये जो है दोस्तों जो थोड़े दिख रहे हैं फोड़ दें, उसके बाद
बाद उसको शायद इसके अंदर जो है इस ट्रैक्टर के साथ जोड़ करके टेलर को भी चलाया जाए, बाद की बात है। जब दोस्तों हमारे घर पर आते हैं तो ट्रैक्टरी हम आपको देंगे। इस सौभाग्य के साथ हमारे किसान भाई दोस्तों चलाएंगे, और जैसे ही वो आते हैं चलाते हैं तो उसकी वीडियो भी हम दोस्तों आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों आज की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रैक्टर है दोस्तों स्वराज 855 FE। इस पूरे आधे एकड़ के अंदर सामने देखिए यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ से ये पानी निकल के इस खेत के अंदर दोस्तों जा रहा है, ताकि इस खेत को पूरी तरह से पानी से भरने के बाद इसके अंदर दोस्तों फिर ट्रैक्टर चलाया जाएगा और कद्दू किया जाएगा, गहन मारा जाएगा। तो ये है दोस्तों पानी जो निकल रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, और इस मोटर में से यहाँ से निकल के ये पानी जो है इस तरफ दोस्तों जा रहा है, ये देखिए। तो ये इस पाइप में से पानी दोस्तों निकल रहा है, और इस तरफ दोस्तों ये पूरे खेत के अंदर जो है पानी धीरे धीरे जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है आज की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बड़ी खबर आप सभी तक पहुँचे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और ये पूरा खेत जो है अभी तैयार होने के लिए यहाँ पर तैयार होने के लिए और इसके अंदर दोस्तों पानी छोड़ा जा रहा है भारी संख्या में। ये देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पानी जब दोस्तों पूरी तरह से इस खेत को भर दिया जाएगा, अभी समय लगेगा इसमें, उसके बाद इसके अंदर जो है दोस्तों ट्रैक्टर चलाया जाएगा हमारे किसान भाइयों द्वारा। और इस तरफ भी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो खेत है जहाँ पर पानी को खड़ा कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन ये नहीं पता कि इनके अंदर अभी ट्रैक्टर वगैरह चलाया गया है या नहीं चलाया गया, वो बाद की बात है। कभी इनके अंदर दोस्तों धान की फसल लगती है, आज लगती है, कल लगती है, जब भी लगती है वो अपडेट मैं आप सबको जरूर दूंगा। ये खेत वही है दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी, और ठीक मेरे सामने दोस्तों एक खेत और है, यहाँ पर भी देखिए पानी को जो है दोस्तों खड़ा कर दिया गया है। मैं आपको पूरी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी अभी पता नहीं ट्रैक्टर चलाया गया है या नहीं चलाया गया है, वो बाद की बात है। और इससे आगे भी दोस्तों दो खेत और हैं जिनके अंदर अभी धान लगेगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आगे दोस्तों ठीक बराबर में ये सामने देखिए ये खेत है, यहाँ पर भी अभी धान लगाई जाएगी, और काफ़ी खूबसूरती के साथ दोस्तों यहाँ पर पानी हमारे किसान भाइयों ने खड़ा किया है, और ऐसा दिल करता है कि मैं नहा लूँ यहाँ पर, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी क्लियर पानी है। तो ये है दोस्तों तीसरा खेत, और ये है चौथा खेत। यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि ट्रैक्टर शायद चला दिया गया है, क्योंकि पानी आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ पानी नहीं है दोस्तों, ये देखिए। तो मुझे लगता है शायद यहाँ पर ट्रैक्टर चला दिया गया हो, और यहाँ पर पानी दोस्तों दोबारा भी खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पीछे की तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर सूखा है दोस्तों, थोड़ा सूखा है, थोड़ा गिरता है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी धान लगेगी नहीं, इसके अंदर दोबारा दोस्तों पानी छोड़ना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को। तो इस तरफ दोस्तों ठीक है पानी थोड़ा छोड़ा जा सकता है, कम है, लेकिन लगेगी नहीं धान, तो छोड़ा जा सकता है इस तरफ भी पानी तीसरे खेत के अंदर। और यह है दोस्तों चौथा खेत, तो इसके अंदर भी अभी पानी जो है छोड़ा जाएगा। तो ये है दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट जो मैंने आज आपको दी है, और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा दोस्तों आप सबको करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अपने किसान भाइयों से रिलेटेड हम नारा लगा लेते हैं जो हम हर वीडियो में लगाते हैं, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।